हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। फाइनली यहां पे आईटीआई पास फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। कुल 125 पदों पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.ita.education.com वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए, देन यहाँ पे आईटीए सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे गाइज। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। इसी तरीके से आईटीए से जुड़ी जॉब का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। अभी ओनली फॉर शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइज। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसमें अदर राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो गाइज देखिए ओडिशा राज्य से जितने भी जो वैकेंसी टेक्निकल की भर्ती आती है, चाहे वो आईटीआई होल्डर्स के लिए, उसमें अदर राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल मांगा जाएगा, जिसकी वजह से अदर राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ओडिशा राज्य कैंडिडेट के लिए जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं और आईटीए पास होने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है गाइज। तो यहाँ पे 15/3/2024 के डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप लोग का यहाँ पे टीचर बनने का सुनहरा मौका है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो पढ़ाते हैं आईटी कॉलेज में, कहीं पर इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, कहीं पर ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, तो यहाँ पर बोला जाता है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ATO। तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर के लिए 125 पोस्ट है डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, और आईटीए वालों के लिए 125 पोस्ट है, यानी दोनों का 50-50% पे वैकेंसी है। तो मैं यहाँ पे आईटी वालों के लिए बात करूँगा। तो आईटी वालों के लिए कुल 125 पदों पे रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे फ्रेशर पास रहना चाहिए। अब अगर आप लोग के पास में आईटीआई है या अप्रेंटिसशिप है, जो अभी मैं ट्रेड बताऊँगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही CITS मैंडेटरी है गाइस। मैं आप लोगों को बताऊंगा CITS के बारे में। यहाँ पे वांछनीय योग्यता लिखा गया है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो मैं बताऊंगा। बात बाकी इसमें लेवल 9 का सैलरी मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। 35,000 के आसपास आप लोग का बेसिक पे बनेगा, उसी पे सारा चीज़ काउंट हो जाएगा। तो आप लोग का जो सैलरी होगा 50+ आप लोग का बन जाएगा गाइस। बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। सबसे ज़्यादा अगर सैलरी मिलता है तो आईटी वालों के लिए वो होता है अनुदेशक का पोस्ट में ही सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि CITS के बारे में। तो देखिए CITS जो डिग्री है यहाँ पे, ये वांछनीय योग्यता के रूप में मांगा गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज। और CITS आप लोग का डिजायरेबल है, वांछनीय योग्यता है। हो सकता है मे बी CITS वालों को वेटेज कुछ नंबर का मिले, तो वो फुल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फ्रेशर आईटी पास होना चाहिए। कितने कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना पोस्ट है तो देखिएगा। कोपा में आप लोग का एक पोस्ट है, ड्रेस मेकिंग में एक है, इलेक्ट्रीशियन में 46 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 3 है, फिटर में आप लोग का 49 पोस्ट है, ICTSM में एक पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में एक पोस्ट है, मशीनिस्ट में एक पोस्ट है, डीजल मैकेनिक में एक पोस्ट है, यानी कि मैकेनिक डीजल में एक पोस्ट है, RNAC में कुल 3 पोस्ट है, MMB में 3 पोस्ट है, पेंट्रल जर्नल में एक पोस्ट है, प्लम्बर में 2 है, टर्नर में 3 पोस्ट है, उसी तरीके से वेल्डर में देखिएगा तो 5 पोस्ट हो गया, वायरमैन में 4 पोस्ट हो गया। टोटल आप लोग का 125 पोस्टों पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें से वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 43 है। बाद बाकी यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए भी मेंशन किया गया है, तो ये आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, ये डिप्लोमा वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। और बाद बाकी एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज आप लोग का यहाँ पे 21 साल है और अपर एज लिमिट यहाँ पे 38 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में भी छूट मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार गाइज। तो 21 से 38 साल एज लिमिट है। बाद बाकी इसमें और भी डिटेल नहीं बताया गया है कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ये बोला है कि वेबसाइट पे विजिट करने के लिए, तो बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मैं ITEducation.com पे अपडेट कर दूंगा। बाद बाकी गाइज अभी शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, तो जो कैंडिडेट उड़ीसा राज्य के निवासी है, उनके पास आईटीआई डिग्री है, तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का। तो गाइस यही छोटा सा अपडेट था। बाद बाकी मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई आईटीआई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।